हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही, आपकी रीजनिंग की जर्नी चल रही है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर की आपकी ऑलरेडी 2 क्लास आपको प्ले लिस्ट में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी फ्री। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, करेक्ट। इसके बाद आज देखते हैं कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट किया जाए। आपके 2 टाइप बेटा कंप्लीट हो चुके हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में, और 14 नंबर तक आपके क्वेश्चन हाँ हो गए थे। फाइनली आज कहाँ पहुँचे, 15 नंबर तक, 15 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ से आपका नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है टाइप थर्ड। अब देखते हैं टाइप थर्ड में आपको क्या पढ़ना है। टाइप थर्ड देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आई करने में। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लैंग्वेज देखते हैं। आ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट टर्न मुड़ता है क्या। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, पहले वह 45 एंगल इन क्लॉक वाइज करेक्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज, डायरेक्शन एंड फाइनली ही टर्न 135 एंगल क्लॉक वाइज। नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ये जो आपका टाइप थर्ड है ना बेटा ना, ये टाइप वन और टाइप टू का कंपाइल किया हुआ है, पर आपको यहाँ पे आंसर क्या एंगल के माध्यम से पूछना चाहता है क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। इसको बेसिक से देख लेते हैं पहले, हाँ बेसिक से करिए आप। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट आप ऊपर, हाँ ये उत्तर नॉर्थ करेक्ट। इसके बाद उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है, पहले वह, इसके बाद क्या प्रक्रिया कर रहा है वो, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, ही टर्न्स 45 एंगल इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोलने का मतलब है राइट हैंड साइड घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलने का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा। आप टाइप फर्स्ट और टाइप टू से इसे काफी ज्यादा वाकिफ हो गए होंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से करेक्ट। चलिए 45 इन एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए क्या किस डायरेक्शन मुंह करके खड़ा था, अभी आप बोलेंगे नॉर्थ में, फिर ये क्या करता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज आप इस डायरेक्शन में आ गया करेक्ट, ये आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आगे पढ़िए क्या दिया गया है, आगे आपसे बोला गया फिर क्या डायरेक्शन, ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह वहां से फिर फाइनली कहाँ पहुंचा, इस वाली डायरेक्शन में। अब इस वाली डायरेक्शन से फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर से वह कहाँ आ जाता है 45 और 45 90 डिग्री इस डायरेक्शन में आ जाता है। फिर आगे पढ़िए क्या दिया गया है, आगे फिर फाइनली ही टर्न्स 135 एंगल क्लॉकवाइज, देखिए क्या है, अंत में वह 132 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, अंत में वह इस वाई डायरेक्शन से अब 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा, तो बेटा कहां आ जाएगा 90 और 45 एंगल, तो फाइनली वो कहां पे आ जाएगा यहां पे। अब वह फाइनली इस डायरेक्शन में आ गया, तो अब क्या पूछा गया अकॉर्डिंग, देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, देखिए अब कहां पे आ गया वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ईस्ट। ये था आपका बेटा बेसिक। अब देख लेते हैं इसको मेंटोस जिंदगी से, हाँ मेंटोस जिंदगी से फिर से रिपीट कर देते हैं। बेसिक से क्या था, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, इसके बाद क्या बोला गया है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो इस डायरेक्शन में आ गया।
और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर इस डायरेक्शन से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट। इसके बाद अंत में वह, हाँ फाइनली 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, फिर यहां से वह 135 डिग्री, ये आ गया 90 और 45 कितना हो गया 135 डिग्री, कहां पे आ गया फाइनली ईस्ट डायरेक्शन में। आपसे पूछा गया तब व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ईस्ट, पूर्व दिशा में। इसको आप सॉल्व करेंगे मेंटोस जिंदगी से, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे मेंटोस जिंदगी से, ये आपका था बेसिक। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड टाइप सॉल्व कर रहे थे लेफ्ट राइट काट के दोनों को ऐड करके फिर डिफरेंस निकालते, सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, नॉर्थ, करेक्ट, नॉर्थ की ओर मुख करके खड़ा है, 45 एंगल वह दक्षिणावर्त होता है घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, इसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फाइनली 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज। आपको सॉल्व करने के तरीका क्या बताया अभी मैंने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ऐड कीजिए, बाकी दोनों का फिर फाइनली डिफरेंस निकालिए क्या आएगा। देखिए क्लॉकवाइज 135 डिग्री और 45 कितना हो गया आपका 180 डिग्री, करेक्ट, ये आपका क्या आ गया क्लॉकवाइज, और इन दोनों का बस डिफरेंस निकाल दीजिए। जब 180 डिग्री से 90 डिग्री घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री क्या आया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करेक्ट। तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहां पे आ जाएंगे आप, ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपका 16 नंबर, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट दिशा में मुख करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, करेक्ट, ही टर्न्स 135 एंगल इन क्लॉकवाइज, पहले वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, आफ्टर इसके बाद ही अगेन टर्न 135 डिग्री फिर वह एंड इन क्लॉकवाइज, फिर से वह 135 डिग्री क्या घूमा क्लॉकवाइज, फिर से वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 45 एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, अब वह एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली अगेंस्ट टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 45 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब देखिए नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अब पूछा गया है, तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, फेसिंग डायरेक्शन आपसे पूछी गई है, करेक्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड करके उसका डिफरेंस निकाल लो। चलो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90, ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज, जब आप क्लॉकवाइज की वैल्यू को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 270 डिग्री, ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी आपका ये है एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू, ये आपकी क्लॉकवाइज की वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आ जाएगा आपका
180 डिग्री क्या आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वैल्यू बड़ी है क्या है, क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री बोलने का मतलब क्या हुआ बेटा, टू राइट। टू राइट का मतलब होता है अपोजिट। नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 17 नंबर। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट ही टर्न्स 45 एंगल इन क्लॉकवाइज, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आफ्टर, इसके बाद ही टेक्स थ्री टाइम, हाँ तीन बार वह, देखिए क्या लिखा है, इसके बाद वह तीन बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, थ्री टाइम, तो थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं ना, थ्री टाइम वह, थ्री टाइम वह 45 डिग्री 45 एंगल क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज, करेक्ट। लैंग्वेज को बेटा समझना बहुत ही आपके लिए मैथ होता है, वरना क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता चला जाता है। चलिए इसके बाद 10 ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह इसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह इसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंड फाइनली ही अगेंस्ट टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वह 90 डिग्री, फिर से वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी। नाउ अब इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, इसके बाद वह तीन बार लगातार तीन बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में फिर से वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति की मुख की डायरेक्शन आपसे पूछी गई है। सॉल्व करिए आप, सॉल्व करेंगे तो आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, करेक्ट। अब जब बेटा आप इसको इनटू कराएंगे 45 को थ्री टाइम, कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप, इनटू कराने के बाद जब ऐड करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका 100, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे आपको, देखिए आपसे फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, इस वाले पॉइंट में, बस लैंग्वेज यहीं पे आपको फंसा सकती है, ऑप्शन यहाँ से आपका गलत जा सकता है। इसके बाद वह तीन बार बेटा 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद वह तीन बार 45 डिग्री क्या दक्षिणावर्त घूमता है, जब आप बेटा इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री, करेक्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 135, मेन लाइन आपकी बेटा ये है, कन्फ्यूजन यहाँ पे आपकी हो सकती है, इस लाइन पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, करेक्ट। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। अब बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को आपस में ऐड कीजिए और डिफरेंस आप निकाल लीजिए, क्या मैंने कहा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ऐड कीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए, और डिफरेंस निकाल लीजिए। अब बेटा ये देखियो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 क्लॉकवाइज और 180 एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपस में कट जाएंगे, फाइनली दोनों आपस में कट जाएंगे, तो सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन, करेक्ट। बस यहां पे बेटा इस वाले पॉइंट पे आपको ध्यान देना था, इस वाले पॉइंट में आपको ध्यान देना था, बाकी नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट में ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका बेटा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका
80 नंबर। देखिए, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति बी किसी दिशा में, अब देखिए कौन सा, देखो मिक्सर हो गया। मैंने क्या कहा, टाइप वन और टाइप टू का ये पूरा मिक्सर है, टाइप थ्री। एक पर्सन बी फेसिंग सम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पता नहीं आपको। एक व्यक्ति बी, एक व्यक्ति है बी जो कि किसी, पता नहीं है आपको किस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन की दिशा में मुख करके खड़ा है। डायरेक्शन नहीं पता, इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता, तो आपको टाइप टू में काफी क्वेश्चन आपने किए थे, तो क्या इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता, तो उस जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 एंगल इन क्लॉकवाइज। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। आफ्टर, इसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। फिर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह बेटा क्या करता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। घुमा दीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली ही टर्न्स 45 एंगल इन क्लॉकवाइज। फिर वह अंत में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। फिर वह अंत में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। अब वह सब इतनी प्रक्रिया कुछ चलने के बाद फाइनली कहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचा। कहां पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। Then in which direction did he starting point? Starting point तो प्रारंभिक, जो प्रारंभिक बिंदु था, मतलब जहां से वो start चलना start किया था उसने, उसकी direction आपसे पूछ रहा है। व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में था प्रारंभिक बिंदु में। तो चलिए सबसे पहले तो आप clockwise को आपस में add कीजिए, anti clockwise को आपस में add कीजिए, दोनों का difference लीजिए। इसके बाद देखते हैं आप क्या करेंगे। देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपस में कट जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपस में कट हो जाएंगे। बचा क्या आपका, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखनी है, जब आप फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन में जाते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट या राइट जो बचता था उसका जस्ट अपोजिट आप करते थे, करेक्ट। अब आप फाइनल डायरेक्शन से जब इनिशियल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बचा क्या है आपका, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो आप इसको क्या कीजिए, अपोजिट, सबसे पहले आप इसको अपोजिट करिए। जब आप 45 डिग्री अपोजिट करेंगे क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन जब इनिशियल डायरेक्शन में जाते हैं तो पलट देते हैं। आप में ढेर सारे क्वेश्चन किए थे इस पे। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का पहले तो आप ग्राफ बताइए कहाँ पे बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट का ग्राफ आपका ये बनेगा। नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए तो आप फाइनली कहाँ आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बेटा घूमिए तो फाइनली आप किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे, नॉर्थ, नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट यहां से टाइप फोर स्टार्टिंग हो जाती है, टाइप फोर की स्टार्टिंग हो जाती है। और टाइप फोर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए। हाँ, मैंने क्या कहा, टाइप फोर की स्टार्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उन बेसिक चीजों को कैसे आप कैरी कर पाएंगे, आपने बोर्ड, जब आप जब बोर्ड क्लास में होंगे तब आपने काफी सारे ट्रायंगल बनाए होंगे ना,
तो उसी की कुछ चर्चा करते हैं, जिसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा पाइथागोरियन प्रमेय, पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी होगी, करेक्ट। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती थी? आपकी पाइथागोरस की थ्योरम होती थी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, करेक्ट। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन होती थी, राइट। और आपके राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ आकृति आपको बता रहे, बना के दिखा रहे हैं। चलिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपका, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। इसके बाद ये भी तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो आज सिमिलरली यही बन गया। चलिए, ये कुछ आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की आकृति है, करेक्ट। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की आकृति है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपका 90 का फिक्स होता है। और टाइप फोर को पढ़ने से पहले ये बेसिक चीज आपको अगर नहीं पता है तो कंफ्यूजन होगी, और क्वेश्चन को आप फोड़ के आने के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं होगा, पर हम आपको ऐसा होने नहीं देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाँ, आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपो बेस परपेंडिकुलर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये आपने कोण को लिया थीटा, ठीक है। तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा आपकी हाइपो होती है। पहचानने का तरीका बता रहे हैं, हाइपो जनरली सभी पहचान लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से रेखा आपकी हाइपो वाली लंबी होती है, करेक्ट, ज्यादा होती है, साइड ज्यादा होती है, वैल्यू ज्यादा होती है। तो 90 के सामने की वैल्यू आपकी हमेशा हाइपो कहलाएगी, और थीटा के सामने वाली, थीटा जिस ऐसे देखिए, थीटा जिस रेखा पे टिका हुआ है, थीटा जिस रेखा पे टिका हुआ है वो आपकी हमेशा क्या कहलाएगी? बेस साइड। कौन सी साइड कहलाएगी? बेस। और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, राइट। अगर हमने थीटा यहां पे लिया, इसे इस वाले ट्रायंगल में थीटा आपका यहां पे लिया, करेक्ट, इस वाले ट्रायंगल में थीटा यहां पे लिया, तो थीटा जिस रेखा पे टिका हुआ है, थीटा जिस रेखा पे टिका हुआ, जो रेखा इसको सपोर्ट दी है, वो आपकी होगी क्या? बेस। वो आपकी होगी बेस, और नाइन थीटा के सामने वाली रेखा आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने वाली रेखा आपकी हमेशा हाइपोटेनस होगी, करेक्ट। और इसी ट्रायंगल को हम फिर से बना रहे हैं यहां पे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से आपका एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम। चलिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। अगर मैंने इस बार थीटा की वैल्यू यहां पे ले ली, थीटा आपका यहां पे ले लिया, तो अब बताइए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या होगी? 90 की वैल्यू के सामने तो आप कह देंगे कि ये वाली आपकी हाइपो हो जाएगी, जो कि आपकी करेक्ट है, हाइपो जनरली सभी पहचान लेते हैं। अब बताइए कि थीटा आपका ये है, तो मैंने क्या कहा? कंफ्यूज मत होना, थीटा जिस साइड पे टिका हुआ है, किस साइड पे हुआ है? वो वाली आपकी ये वाली साइड है। थीटा जिस साइड पे टिका हुआ है वो आपकी क्या होगी? बेस। तो इस कंडीशन में आपका बेस ये हो जाएगा, और थीटा के सामने वाली रेखा आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, करेक्ट। 90 के सामने की रेखा आपकी होगी हाइपो, इस वाले ट्रायंगल पे आ जाए तो। अगर थीटा आपने यहां लिया, तो थीटा जिस रेखा पे टिका हुआ है वो आपकी हो जाएगी बेस, वो आपकी हो जाएगी बेस, और थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, करेक्ट। एक ट्रायंगल और बचा, उसको भी देख लेते हैं। ये आपकी 90 है, 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी हाइपो, जो कि सबसे बड़ी होती है। अगर एज्यूम किया थीटा आपका ये वाला एंगल है, तो थीटा जिस साइड पे टिका हुआ है वो आपकी हो जाएगी बेस, और थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। आई होप ये बेसिक बात आप समझ पा रहे होंगे, ये बेसिक बात कुछ आप समझ पा रहे होंगे, करेक्ट। चलिए, अब बेटा कुछ आपको याद आ रहा होगा क्या?
जस्ट नेक्स्ट पॉइंट आपकी उसी चर्चा पे कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, हाँ आपने क्या ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये आपका 90 डिग्री है और थीटा आपका ये है, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू निकालते थे, अगर इसकी वैल्यू बेस की वैल्यू हमने दे दी 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी आपको 4, तब आप हाइपो की वैल्यू याद कीजिए कैसे फाइंड करते थे। हाइपो की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते थे, जो कि क्या होती है आपके हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आप बोर्ड के समय करते थे, हाँ। तो ये जो 3, 4 और जो कुछ वैल्यू आपकी निकल के आएगी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, इन वैल्यू को बोलते हैं ट्रिपलेट। तो ऐसा ना किया जाए कि कुछ ट्रिपलेट को आप याद कर लें जो आसानी हो जाएगी और आपको बार बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम की बर्बादी है आपकी। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, जैसे कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी इसको बेसिक से आपको बता दे रहे हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप। ये आपका ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस की वैल्यू सबसे पहले थीटा देखिए, थीटा कहाँ पे है, तो मैंने क्या बताया थीटा जिस साइड पे आपका टिका हुआ है वो साइड आपकी हो जाएगी बेस, और थीटा के सामने वाली साइड होती है आपकी परपेंडिकुलर, और 90 तो जनरली सभी पहचान लेते हैं बेस और हाइपो की वैल्यू से, 90 बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू से हमेशा आपकी हाइपो की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, हाइपो की वैल्यू, हाइपो की वैल्यू आपको फाइंड करना है एज इट इज रखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 प्लस बी की वैल्यू आपकी 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो हाइपो की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, हाइपो की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25, जो कि 25 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5। अभी आपने ये बेसिक से निकाला, तो इतना कुछ ना करने के लिए इससे बचना चाहते हैं तो कुछ आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिखा रहा हूँ जो कि आपको याद करने हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए 3, 4, 5, करेक्ट, 5, 12, 13 नेक्स्ट ट्रिपलेट आपका, 7, 24 और 25, 9, 40 और 41, 11, 60 और 61, 11, 60, 61, 1, 1√2, 1√3 और 2, करेक्ट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। तो आपने क्या कहा कि केवल इतने ही ट्रिपलेट याद करें आपका काम हो जाएगा, करेक्ट, इतने ही ट्रिपलेट आपको याद करना है बस। इसके एग्जामिनर इसके मल्टीपल में आपको ट्रिपलेट देगा, अगर इसी के मल्टीपल में इस वाले ट्रिपलेट में सभी की वैल्यू में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप एक और ट्रिपलेट का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन सा ट्रिपलेट हो जाएगा आपका, 6, 8 और 10, करेक्ट। अगर इसी में 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो और एक ट्रिपलेट निकल आएगा। तो इन कुछ ट्रिपलेट की माध्यम से आपसे आप असंख्य ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात है और इन ट्रिपलेट को आपको याद करना ही पड़ेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन था आपका ये बेसिक बात आपको याद रखनी थी। क्वेश्चन नंबर फाइनली कहाँ पहुंचे हैं, 19। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और टाइप जो 4 है आपका, ये टाइप 4, इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट का ही यूज करना है। हाँ, टाइप 4 जो है आपका, इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट का ही यूज करना है। आपको बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, पर वो ट्रिक इसमें काम नहीं आएगी, यूजलेस होगी। देखिए क्या दिया गया, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, तो किसी भी व्यक्ति का, पहले भी आपको बता चुके हैं, किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट राइट नहीं होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ बोलने का मतलब ऊपर साइड जा रहे हैं, अपर साइड, साउथ बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट लोअर साइड जा रहे हैं, ईस्ट बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड में, वेस्ट बोलने का मतलब लेफ्ट साइड में, करेक्ट। तो क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको टाइप 4 को आप बेसिक से ही करेंगे।
और क्यों बेसिक से करना पड़ेगा अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे। देखिए इसके कई सारे ऑप्शंस हैं, अभी जस्ट इसको सॉल्व करें इसके बाद देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व मतलब ईस्ट, तो ईस्ट साइड चला दीजिए इसको, पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलता है ईस्ट साइड पे, ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है 100 मीटर, चला दीजिए 100 मीटर, 100 मीटर चलता है इस चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब बताइए जब ईस्ट साइड में जा रहा है तो ईस्ट साइड जा रहा है तो बाईं ओर बोलने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा नॉर्थ साइड पे, और कितना चलता है फिर इसमें, फिर वह 25 मीटर चलता है, कितना 25 मीटर, 25 मीटर चलता है, पुनः वह इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है और 45 डिग्री चलता है, तो ऑब्वियसली सी बात है 100 मीटर से कुछ कम ही चलेगा, कितना चला यहाँ पे 45 मीटर, चला दीजिए आप 45 मीटर। इसके बाद देखिए क्या ये कर रहा है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फाइनली वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब नीचे, उड़ा दीजिए यहाँ पे आ गया, अब कितना चला हुआ है, कितनी दूरी तय की उसने 25 मीटर, 25 मीटर। ये आपने अभी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से फिगर के माध्यम से बना लिया, ये आपकी क्या थी स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ये आपकी थी स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका फाइनल जहाँ पे आप वह पहुँच गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दी गई है, देख लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं जो कि अलग अलग हैं, सबको देना है। सबसे पहले देख लेते हैं, एक व्यक्ति था जो कि इस डायरेक्शन में कैसे चला था, 100 मीटर चला, 100 मीटर चलता, इसके बाद वह लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और कितना चला 25 मीटर, फिर से वह लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और कितना चला था 45 मीटर, फिर वह फाइनली लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा और कितना चला 25 मीटर। ये आपका था स्टार्टिंग पॉइंट, करेक्ट, ये आपका था स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए कंडीशन आपसे क्या क्या पूछी गई है, पहले कंडीशन देखिए, अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखिए तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा साउथ, ऑप्शन नंबर सी आपका दक्षिण करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखिए क्या दिया गया, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये पूछा गया। प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, हाँ, और एंड आप कहां पे किया था ये, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये, हाँ ये पूछा गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए तीर चलाइए एरो, प्रारंभिक बिंदु से वह ईस्ट डायरेक्शन में है, ऑप्शन नंबर ए पूर्व आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए कंडीशन आपको क्या दी गई है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, प्रारंभिक बिंदु से वह ये वाली दूरी पूछी गई है, यहां तक की कितनी है, ये देखिए पूरी दूरी आपकी कितनी है 100 मीटर, और उस 100 मीटर में देखिए यहां तक वह 45 मीटर चल चुका है, तो बाकी बची हुई दूरी आपकी क्या हो जाएगी डॉटेड फॉर्म में देखें तो कितनी हो जाएगी 55 मीटर, करेक्ट 55 मीटर, करेक्ट। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 55 मीटर, 55 मीटर, और पूरी दूरी आपकी कितनी है 100 मीटर, हाँ यहां से यहां तक की दूरी केवल आपकी 55 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 55 मीटर करेक्ट। फोर्थ कंडीशन देखिए आपसे क्या पूछी गई है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, ये दोनों को आपस में पूछ लिया गया, दिशा भी पूछ ली गई और कितनी दूरी है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है 45 मीटर, हाँ आप निकाल चुके हैं 45 मीटर, और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है 45 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, 45 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर ई जो कि आपका करेक्ट है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए 20 नंबर आपको क्या दिया गया है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, चला दीजिए 1 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट बोलने का मतलब वो राइट हैंड साइड में चलेगा और कितना चला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसके बाद देखिए तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पहले वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण आपका नीचे होगा और कितना चलता है 5 किलोमीटर, चला दीजिए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, तो आप बताइए पूर्व किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? आप बोलेंगे राइट हैंड साइड। पूर्व की ओर यहाँ से मुड़ता है और यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर चला, देखिए 2 किलोमीटर चलता है। कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर करेक्ट। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर बोलने का मतलब बाइट बोल, वह ऊपर उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर वह दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए ये आपका था प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ये आपसे पूछा गया है। विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके सापेक्ष में आपसे पूछा जाए, वहां से आप एरो चला दीजिए, आपकी डायरेक्शन निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो यहाँ पे आप देखिए डॉटेड फॉर्म में एक लाइन खींचिए, यहाँ पे इसको इससे मिला दीजिए। इसके बाद इसको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, तो अब इसका यूज भी तो करना है। यहाँ पे ऐसे ही नहीं पढ़ लिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, और देखिए ये 2 किलोमीटर है नीचे ना, तो इसी के पैरेलल ये भी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और ये पूरी दूरी आपकी कितनी है 5 किलोमीटर करेक्ट। पूरी दूरी आपकी कितनी है, सॉरी 9 किलोमीटर, पूरी दूरी आपकी है 9 किलोमीटर। और इधर देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। जब आप 9 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगी ये वाली दूरी की वैल्यू, आप बोलेंगे इस वाली दूरी की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर। हाँ, इस वाली दूरी की कितनी आ गई 3 किलोमीटर, ये आपका आ गया 4 किलोमीटर। तो आपसे दूरी भी पूछी गई है और इसके रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन भी पूछी गई है। सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको भी पता उसमें आपका टाइम बेकार ही जाएगा। ट्रिपलेट क्या किया था 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 करेक्ट। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व नहीं कराएंगे, डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट याद करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 4 और 5, 5 किलोमीटर। ये दूरी जो निकालते हैं ना, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, हवाई दूरी करेक्ट। जो आप दूरी निकालते हैं ना, ये आपकी हवाई दूरी होती है। तो देखिए यहाँ से और इसकी दूरी पूछी गई है ना, और जो ये दूरी आप निकालते हैं ये हवाई दूरी होती है। तो जिसके रिस्पेक्ट पूछी गई है वहां से आप एक एरो चला दीजिए, तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, दूरी आपकी 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आप देखिए ऊपर जा रहा है नॉर्थ में जा रहा है, और राइट हैंड साइड में जा रहा है क्या हो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फाइनली किस क्वेश्चन पे पहुंचे आप, 21 नंबर। देखिए क्या दिया गया है, एज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। हाँ, हिंदी लैंग्वेज देख लेते हैं क्या लिखी गई है। ए जो है आपका बी के पूर्व में कितना है 6 किलोमीटर। ए जो है बी के पूर्व में, ए जो है वह बी के पूर्व में, अगर कोई देखिए दो बच्चे होंगे जो कि अलग अलग फिगर बनाएंगे, देख लेते हैं सही कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर, ए जो है ए पॉइंट बी पॉइंट के पूर्व में कितना है 6 किलोमीटर। किसी बच्चे ने ये वाला
बनाए, ये वाली साइड बनाए। इसके बाद एक बच्चा होगा उसने क्या, अगर ये ले लिया कि ए जो है वह बी के पूर्व में है, ये तो आपने गलत कर दिया ना 6 किलोमीटर, ये बेटा पूर्व में नहीं, ये तो वेस्ट में हो जाएगा। ये वाला आपका रॉन्ग होगा, करेक्ट आपका ये वाला है। आगे देखते हैं कंडीशन क्या दिया गई है। हाँ बच्चे पढ़े, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ए जो है आपका वह बी पॉइंट के पूर्व में कितना है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। टी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, हाँ टी जो है वह बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, सी जो है वह बी के उत्तर में नॉर्थ साइड में कितना है 4 किलोमीटर। टी टी नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपका आगे लिखा है डी, टी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, डी जो है वह सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, टी जो है वह सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। ये पूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर, कितनी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए अब डी ए से कितना और किस दिशा में है, अब डी ए से कितना और किस दिशा में है जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जाए, उससे आप बस क्या करिए एरो लगा दीजिए। टी ए से, टी जो है वह ए से कितना और किस दिशा में है, कितना और किस दिशा में, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लोअर साइड में जा रहा है, क्या हो जाएगा साउथ, और राइट हैंड साइड में जा रहा है ईस्ट या लेफ्ट हैंड साइड में, आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये तो आपकी क्या निकल आई, ये आपकी निकल आई क्या डायरेक्शन। इसके बाद ये पूरी दूरी कितनी है, आप बोलेंगे 12 किलोमीटर, उस 12 में ये बेटा यहां से यहां तक की दूरी की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 किलोमीटर, कितनी 8 किलोमीटर, करेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी यहां से यहां तक की 8 किलोमीटर। अब देखिए यहां पे ट्रिपलेट का यूज कीजिए, आपने देखा था वहां पे ट्रिपलेट लिखा था 3, 4 और 5, करेक्ट। अब यही ट्रिपलेट है, आप देखिए थोड़ा सा प्यार भरे नजरों से देखिए इसको, बस इसी ट्रिपलेट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा दिया गया, कितना 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। आपको भी पता है इन ट्रिपलेट में से सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपकी हमेशा हाइपो रहेगी, इस ट्रिपलेट में सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपकी क्या, आप बोलेंगे 10, तो हाइपो आपकी 10 रहेगी। बाकी आप चूज कर सकते हैं ना, इसको आप बेस बोल दें या इसको परपेंडिकुलर बोल दें, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आप इंटरचेंज कर सकते हैं, पर ट्रिपलेट में सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा आपकी हाइपो ही होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा हाइपो की साइड आपकी वैल्यू आपकी बड़ी होती है, साइड वैल्यू आपकी बड़ी होती है। तो ये 6 है, ये 8 है, तो इस वैल्यू की कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फिर से रिपीट कर दें ये वाला क्वेश्चन, चलिए क्या आता फिर से देख लेते हैं, फिर से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया था ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट, हाँ ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ए जो है ए पॉइंट बी पॉइंट के पूर्व में कितना है 6 किलोमीटर, करेक्ट। इसके बाद सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, सी पॉइंट है जो बी के उत्तर में कितना है 4 किलोमीटर, टी सी दक्षिण में, हाँ देखिए डी इज 12 किलोमीटर, डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ई, डी पॉइंट जो है वह सी के साउथ में है और कितना है 12 किलोमीटर। आपसे भी पूछा क्या गया है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इसके सापेक्ष में दिशा पूछी गई थी, जो कि आपने क्या जिसके सापेक्ष में पूछी जाए वहां से आप एरो लगा दीजिए, हाँ तो साइड आपकी क्या हो जाएगी लोअर साइड में जा रहा है तो साउथ, और देखिए यहाँ से लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, और दूरी आपने निकाल ली कितनी 10 किलोमीटर, करेक्ट। ये था आपका टाइप 4, ये था आपका टाइप 4। अब नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को चलो आज देख लेते हैं,
और टाइप फोर अभी आपका खत्म नहीं होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर किस साइड डायरेक्शन में चल रहा है? पूर्व। पूर्व बोलने का मतलब आप राइट हैंड साइड पे चलेंगे। और कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। एक व्यक्ति है जो कि 5 किलोमीटर कितना 5 किलोमीटर दूरी तय करता है इस डायरेक्शन में, करेक्ट। इसके बाद तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। फिर यहां से वह दक्षिण की ओर मुड़ा और समान दूरी, बोलने का मतलब 5 किलोमीटर पहले चला था तो यह दूरी भी वो कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। ये दूरी भी वो सेम चलेगा, कितनी? 5 किलोमीटर। आगे देखिए क्या लिखा है। और अंत में वह बाई ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी चलता है। अंत में वह बाई ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक कितना करता है? 7 किलोमीटर। फिर वह यहां से लेफ्ट मुड़ता है और देखिए साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका राइट इसका लेफ्ट होता है, इसका लेफ्ट आपका राइट होता है। वह क्या मुड़ता है? लेफ्ट। तो लेफ्ट मुड़ा और कितनी दूरी चलता है? 7 किलोमीटर। फिर वह चलता है कितना? 7 किलोमीटर। अब वह इस एंड पॉइंट पे आ गया। अब पूछा क्या गया इसमें? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु आपका कौन सा है? आप बोलेंगे आपका प्रारंभ स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, एंड पॉइंट आपका ये है। तो यहां से इसकी दिशा और दूरी दोनों ही पूछ ली गई है। तो देखिए यहां से आप जिसके रिस्पेक्ट पूछी जाए वहां से आप क्या, मैंने क्या बताया, आप एरो चला दीजिए। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में यहां से यहां तक पूछी गई है। तो देखिए दिशा तो आपकी आ जाएगी क्या? साउथ, नीचे जा रहा है साउथ, और लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है या ईस्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? आप बोलेंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसके बाद बात आती है क्या, दूरी भी तो आपको निकालनी है। अभी तो आपने केवल केवल दिशा निकाली है। तो देखिए दूरी कैसे एज्यूम करेंगे आप? दूरी को निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे सोचिए ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए। हाँ, तो देखिए यहां से अगर डॉटेड लाइन आप खींच दें और इसको ऐसे करके मिला दें, ये आपका क्या? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। क्या? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसके बाद देखिए ये साइड कितनी है, ये इतनी, इसकी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये भी इसके पैरेलल है। हाँ, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और ऊपर देखिए ये आपकी कितनी है? 5 किलोमीटर। इसी के समांतर ये भी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। अब आपको डायरेक्ट टिपलेट का यूज करना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए टिपलेट आपको एक बताया था मैंने, देखिए ये 5 दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5, और ये दूरी कितनी है? 7। और जब 5 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी आपकी 12 मीटर। कितनी? 12 मीटर। और ये आपकी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। सॉरी, डेटा इसमें किलोमीटर में दिया गया ना, तो किलोमीटर में लिखिए आप 12 किलोमीटर। अब आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा था ना, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 का पढ़ा था ना, याद कीजिए ना, ये आपका ट्रिपलेट था। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? तो आप क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो हवाई दूरी है ना, इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे 5 आपका हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू, 12 हो गया आपका बेस की वैल्यू। तो हाइपो की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रिपलेट याद कीजिए, 5, 12, 13, तो हाइपो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। तो आंसर आपका फाइनली क्या आया? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर डायरेक्शन क्या आई थी आपकी? साउथ ईस्ट। 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क के लिए है, आप सभी लोग करेंगे इसका, और जिस जिनका हो जाए वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।